मोदी जी के लिए कैसे साले रोड पे मरा पड़ा रहे और वो अपना ऐश मौज कर रहे हैं मोदी जी। अब 24 में हमें उम्मीद तो है ना, जो मतलब ये आ जाए आगे के लिए, नहीं है कि बीजेपी आ जाए। किसी भी फैक्ट्री में जाओ तुम, 5 लोगों का काम निकलता है तो 50 लोग खड़े मिलते हैं वहाँ पे हर फैक्ट्री के अंदर। पब्लिक मारी भूख, पब्लिक परेशान है। क्या महंगाई क्या रोकी है, क्या महंगाई रुकी है? तो आपके हिसाब से सर कोई तोड़ने बदलेगा? खाली तुमने गेहूं आटा चावल जो भी कुछ दिए उसकी साग सब्जी भी है, गरीब आदमी बेचारा कहाँ से लेके आएगा? लोग तो कहे थे की नून रोटी खाएंगे, इन्हीं को जिताएंगे, इन्हीं को सब। जो कहते हैं की मतलब हम इतना तेल दे रहे हैं, इतना आटा दे रहे हैं, इतना राशन दे रहे हैं हर महीने, खाली रूखी रोटी से कोई खा के पेट कोई थोड़ी कारोबारी खत्म हो जाएगा तो कहाँ से पेट भरेगा वो? इसलिए कोई भरोसा नहीं है सरकार, महंगाई हद से ज्यादा, कारोबार खत्म है बिल्कुल, भरोसा नहीं है सरकार पे। हमें क्या भरोसा, हमें कोई फायदा ही नहीं हुआ तो हमें क्या भरोसा? कोई भी फायदा नहीं, हमें क्या फायदा हुआ है? कोई फायदा नहीं हुआ है हमारे लिए। सरकार तो फायदे गिनवा देती है कि हमने ये कर दिया, योजनाएं दिखा देती है। हमारे लिए आज तक इस सरकार में कोई भी फायदा हमारे लिए मालूम ही नहीं पड़ा, ना हमें कोई लाभ सरकार से मिला। इतना कोई जमीन के सारे मतलब पैसे सबसे आते हैं जाते हैं, हम भी किसान आदमी हैं, आज तक हमारे पैसे तलक नहीं आए। वैसे तो सही है लेकिन उन्हें ज्यादातर राजनीति की बातें ज्यादा रहती है, राजनीति की बातें होती है। ऐसा है कि वो मुसलमान वैसा है, वैसा है। पीएम कहते हैं कि जो संकल्प लेता हूँ वो करता हूँ। विकास की बात की थी, विकास पहुंच गया, हमने रोड बनवा दिया, हमने शौचालय बनवा दिया। रोड जो बनवा दिया, रोड बनवाने से हमें क्या मतलब फायदा हुआ? रोड तो हमारे यहाँ पहले से अगले की सरकार में बने हुए हैं, हमारे यहाँ कहाँ पर रोड उन्होंने बनवा दी है? जिला बरेली रहते हैं हम, हमारी तरफ कोई रोड नहीं बना है। बिजली पहले सही आती, 24 में क्या होने वाला है? कैसे देख रहे हैं 24 में क्या होने वाला है? अब 24 में हमें उम्मीद तो है ना, जो मतलब ये आ जाए आगे के लिए, नहीं है कि बीजेपी आ जाए। और वैसे भाई खुदा माने बीजेपी नहीं आएगी तो फिर कौन आ सकता है, किसके चांसेस हैं? जिसके जो नया नया जो आए कोई भी बीजेपी के अलावा, बीजेपी आएगा, बीजेपी आएगा, बीजेपी आएगा भाई। अच्छा बीजेपी आएगा, क्यों आएगा भाई? उनके काम बढ़िया, दीदी बढ़िया काम, बढ़िया काम। मुझे आवास मिला, लेटरिन बाथरूम हर इंतजाम मिला, हर काम बढ़िया। तो कोई काम ही नहीं हुआ, ये कह रहे कोई काम ही नहीं, इन्हों नहीं मिला होगा फिलहाल, मगर सामने बोल रहे हैं लेटरिंग बाथरूम को तो सब कुछ मिल गया। जिससे पिछले इलेक्शन में लेटरिंग आई थी, जो मतलब जो सेक्रेटरी जो होता है, जो हमारे ब्लॉक का सेक्रेटरी जो है, उसने कोई भी मतलब आज तलक लो, हम तो मतलब बहुत कहते रहे, ये बोल रहे हैं इनको तो आवाज भी मिल गया, आप कह रहे नहीं मिला? हमारे लिए नहीं मिला, हमारे सेक्रेटरी से हमने बोला सरकार में आपको मिल गया, इनको नहीं मिला। भाई जिनकी को कमी रही होगी, जो इन्होंने कागज भी बनवा, कागज नहीं बन पाए, बनवा लिया, खर्च किया बताओ। हम राशन कार्ड बनवा, हमारे राशन कार्ड और लोगों से बात कर लेते, क्या नाम है सर आपका? मैडम बीरेंद्र नाम है, बीरेंद्र। खुश है सरकार से, उनके कामों से, वादों से? सही है सब कुछ, सब बढ़िया चल रहा है, अच्छे दिन आ गए। हाँ अच्छे दिन क्या है मैडम, कमाना खाना है यही अच्छे दिन है, कमाना है खाना है यही अच्छे दिन है, और क्या कमाने के लिए काम है रखे बस है? रोजगार है, रोजगार है जैसे तैसे है। हाँ पहले ज्यादा था कि अभी ज्यादा है सरकार? पहले भी था, जैसे पहले से भी नौकरी कर रहे थे, अभी भी कमा रहे हैं। बाकी सरकारों से सरकार अलग कैसे? अलग तो ये बिल्कुल अलग है, और सरकारों से या सरकार बिल्कुल अलग है, अच्छाई में, बिल्कुल अच्छाई में। क्या क्या काम अच्छे लगे? काम इसके सारे अच्छे लगे मैडम, धारा 370 गई, राम मंदिर बन गया, ये झगड़ा ये बहुत जन्मों से चला आ रहा था, ये झगड़ा शांत हो गया, हिंदू मुसलमान आपस में मिलके और मंदिर का मामला हल कर लिए, ये सबसे बड़ा। अब हम लोग दोनों मिलके और अपना काम कर रहे हैं। आरोप लगते कहते धर्म की राजनीति करती है सरकार मैडम, ये तो आरोप लगता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा। माहौल खराब कर दिया देश का? कोई खराब नहीं है, सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। माहौल क्या, बहुत से लोगों मैडम अभी नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है बहुत से लोगों को, नौकरी नहीं है कह रहे सरकार में, नौकरियां नहीं है, नौकरी नहीं, 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 नहीं। सुबह को निकलते 8 बजे निकल जाते हैं और हम 8 बजे निकलते हैं, नौकरी नहीं मिलती। जैसे आप कर रहे हो वही मैं कर रहा हूँ भाई, हम हर रोज, हम बात सुन ले उनकी, हम रोज डर डर के नौकरी करते हैं, आज निकलते कल निकलते, हल्का सा कुछ गलत हो जाता है इतना चिल्लाता है। काम राम मंदिर तो चलो सही बन गया, बस तो हमें क्या फायदा बताओ? किसान लोग अब भी भूखा मर रहा है, बताओ किसान लोग अब भी भूखा मर रहा है। राम मंदिर
इससे इनको क्या फायदा, आम जनता। सही बात है, ऐसे ऐसे नास्तिक लोग हैं, हम इसको क्या कुछ जवाब नहीं दे सकते। नास्तिक नास्तिक नहीं, बना है वो बात ठीक है मैडम, बना है वो बात ठीक है, मगर जो आप से क्या कहेंगे सरकार के लिए? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, जिन लोगों को किसान लोगों को कुछ नहीं मिला है अभी तक, 2000 रुपए खाते में भेज दे सरकार, क्या कि ना हमारे खाते में तो नहीं आया मैम, बताइए हमारे खाते में नहीं आया। हमारे नाम जमीन है, युवाओं के लिए कितनी अच्छी है सरकार बताओ मैम, युवाओं के लिए कितनी अच्छी है सरकार? बहुत बढ़िया। किन के लिए मैम? युवाओं के लिए मैम, कुछ नहीं युवाओं के लिए, इनके नाम कुछ नहीं किया, नहीं सरकार जो खाता देगी, इनके इनके नाम खेती है क्या? खेती है मैम, बताइए जिनके पास खेत नहीं है। आप माहौल खराब कर रहे हैं भैया, आपको बात नहीं करनी, आप जा सकते हैं, आप ये सब मत किए। हाँ, इनके नाम खेती है, इनसे जरा पूछिए, इनके नाम खेती है? जिसके पास खेती नहीं है। एजुकेशन हाँ कितनी है? गवर्नमेंट जॉब कहाँ से देगी? एजुकेशन इनसे पूछिए कितनी है आपकी? मैम जिसके पास खेत नहीं है ये बताइए, नौकरी उन्हें क्या मिला? जिनके पास जमीन है उन्हें मिल गया? कभी किसान लोगों को GST इतनी लगा दी है, बताओ। हाँ बताइए, 20,000 रूपए, अनपढ़ लोग जो है वे कह रहे हैं 20,000 हो, सरकार सरकारी मास्टर लिखे हुए 10-10 हजार 11-11 हजार सैलरी है, बताओ सैलरी में क्या होता है? सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी, फैक्ट्री में होना चाहिए खत्म, बस खत्म होनी चाहिए। हाँ जरूरी है, सरकार ने लगाम लगाई नहीं लगाई, ये सबसे पहले आरक्षण खत्म होना चाहिए, कोई लगाम नहीं है। सरकार ने वादा किया था आने से पहले, सरकार जब बनाई थी कि हम बेरोजगारी को कम कर देंगे, कम कर पाई नहीं, कर पाई नहीं। बेरोजगारी का कारण है आरक्षण, आरक्षण ये खत्म हो जाए अपने आप ये खत्म हो जाएगी आरक्षण। महंगाई बढ़ा दी, किसी भी फैक्ट्री में जाओ तुम, 5 लोगों को काम निकलता है तो 50 लोग खड़े मिलते हैं वहाँ पे, हर फैक्ट्री के अंदर पब्लिक मारी भूख, पब्लिक परेशान है। क्या महंगाई क्या रोकी है? क्या महंगाई रुकी है? कोई महंगाई नहीं रुकी है, इतने परेशान है कि 5 लोगों की जगह पे 50 लोग खड़े होते फैक्ट्री के अंदर, और भी रहता है खड़ा, ज्यादा भी होता और क्या? मतलब काम काज नहीं है सरकार भी नहीं है। मोदी जी तो सही है, मगर अभी दो चीजें गलत कर दी है, अभी क्या गलत कर दिया? अभी जिसे महंगाई बढ़ा दी है, हम लोग जो गरीब है वो और नीचे चला जाओ, जो अमीर है जो और ऊपर चला जाओ। बिहार में भी फैक्ट्रियां पहुंचाएं कंपनियां, चल लो ना मोदी जी के लिए, कैसे साले रोड पे मरा पड़ा रहे हैं, वो अपना ऐश मौज कर रहे हैं मोदी जी। हाँ मतलब आपके आप मर रहे हैं वो ऐश कर रहे हैं, और क्या, हम लोग मर रहे हैं। अब बताओ 17-12 रुपए किलो आटा खाते थे 2010 में, और अभी 27 रुपए है, अरे हमारा राशन की दुकान है 27 रुपए है, राशन की दुकान हम कर रखे हैं। तेल बताओ अभी 12,000 रुपए सैलरी कर दिया स्पोर्ट लाइन ने सिलाई वाला की, फिर भी वो है कि वो आपको मानिए कि 2-4 हजार रुपया महीना ने कर्जा में डूब जाता इंसान, 2-4 छुट्टी मार दिया था 2-4 हजार कर्जा में डूब जाएगा 12,000 सैलरी होने के बाद भी। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से क्या करेंगे आप? जैसे सरकार से हम क्या अपना, हम जैसे अब 2 दिन छुट्टी मार दिए तबीयत खराब हो गया कंपनी, तुम मैनेजर बोल दिया कल से मत आना, मास्टर आप बोल दिया कल से ड्यूटी मत आना, ये कोई मतलब? अब बताओ क्या होगा? अब हम लोग भूखे न मरेंगे, हर कंपनी के बात है। अब जिससे 2 दिन छुट्टी मार दी है तबीयत खराब है, जाओ गेट से बाहर। चले लोकसभा चुनाव में अभी वक्त बाकी है, लेकिन जिस तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं मशक्कत करने में, कोशिश करने में कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो जाए, इस बार हमारी सरकार आ जाए, ऐसे में जनता भी तैयार है कि भैया वोट मांगने आओगे, अपना हिसाब दे दीजिए कितना काम किया आपने, किन किन वादों के साथ आए थे और ये वादे अधूरे हैं, तो तैयार है जनता भी और सभी राजनेता भी। होगा क्या 2024 के चुनाव में, देखते रहिए मेरे साथ लगातार। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।